back to our channel. So कितने time बाद हम मिलके video बना रहे हैं ना? हाँ. तो guys ये video है destination wedding का part 2 जो कि हम पहले shoot कर चुके थे लेकिन ये हमसे delete हो गया. Yes. और उसके बाद हमें time नहीं मिला बनाने का और काफी videos आ गई उसके बाद हमने कहा यार ये part missing है तो हमें ये बनाना चाहिए. Yes. तो इट वॉज यू नो हमें एक मैसेज भी आए काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पे कि आप बताइए कि कितना बजट लगा आपका. तो हमने हमने कहा कि नहीं सब्र रखिए वीडियो बनाएंगे कंप्लीट. तो जैसे कि पहले पार्ट में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि हमारा क्या क्या स्टेप्स हमने लिए और बेसिकली क्या बजट था हमारा विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आजकल फुल ऑन ट्रेंड है डेस्टिनेशन वेडिंग का. हर कोई डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहता है बट ऑब्वियसली दे वांट टू नो आई मीन के क्या क्या प्रोसीजर होते हैं मतलब कैसे हम मिले और क्या बजट रहा सब कुछ वगैरह. तो अभी इस पार्ट में हम आपको सब बताएंगे कि बेसिकली जो पहला टॉपिक हम कवर करेंगे वो है हमारे मतलब वेडिंग में क्या क्या इंक्लूडेड था. तो आप बताओ कि कौन कौन से फंक्शन थे. सो हमारी वेडिंग में 4 फंक्शन थे. दो दिन का फंक्शन था और फर्स्ट डे में हमारा सुबह मेहंदी थी शाम को सगन था और उसके नेक्स्ट डे सुबह सगन कम एंगेजमेंट सगन कह लो एंगेजमेंट कह लो और कौन से और क्या कहते हैं हाँ सगन या एंगेजमेंट और उसके अगले दिन हमारा हल्दी थी हमारी और उसके बाद रात को वेडिंग थी. तो वेडिंग थी हमारी शाम को जो कि धीरे धीरे वो करते हुए क्या बोलते हैं लेट होते होते नाइट को हो गई थी. हमारे फंक फेरे होने थे 7 o'clock और हो गए थे 12 बजे. हाँ, लेट हो गए थे. दुल्हन ने बहुत टाइम लगा लिया था रेडी होने में. ऑल तो टाइम लग ही जाता है हर जगह पे टाइम. हाँ, हमारा हल्दी का फंक्शन बहुत लेट हो गया था. इट वॉज नॉट प्लान्ड कि इतना लेट होगा बट बहुत लेट हो गया. तो फिर ऑब्वियसली उसके बाद रस्में होती हैं फिर चूड़ा वगैरह तो बहुत लेट हो गया था. तो जो डेकोर की फोटोज हैं हल्दी मेहंदी सगन और शादी की स्क्रीन पे आपको शो हो जाएंगी जो हमारा डेकोर था. तो ये है मेहंदी का डेकोर सगन की एंट्री और इसके साथ हमारा स्टेज सगन का और डीजे जहाँ पर हमने बहुत डांस किया. और ये है हल्दी का डेकोर. राइट हैंड साइड पे आपको हमारा कपल नेम भी दिख रहा होगा जो कि है शिफांशु. ये है हमारा हल्दी का स्टेज एंड एट द एंड हमारी वेडिंग का डेकोर और ये हमारा मंडप. और इसके अलावा आपने अगर हमारे वेडिंग व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गाइस देख के आओ यार. वेडिंग व्लॉग्स नहीं देखे हमारे देख कर आओ यार. उसका लिंक मैं यहाँ पर आप आई बटन पे क्लिक करके देते हो और साथ में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक डाल दूंगी. जस्ट गो हैड एंड चेक इट आउट. हे गाइस सो नॉर्मली हम लड़कियों की कंप्लेन रहती है कि यार आज मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं माई हेयर्स आर नॉट इन अ गुड कंडीशन और मैं कैसे यार रेडी हो जाऊँ इतनी जल्दी मेरे हेयर्स सही नहीं हैं. मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है अगर आपके बाल सेट हैं आपके हेयर सेट हैं तो यू आर रेडी टू गो. आपको मेकअप की कपड़ों की इतनी टेंशन नहीं रहती है. सो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट दिस अमेजिंग प्रोडक्ट विच आई गॉट फ्रॉम स्टैमियो. दिस प्रोडक्ट कंटेन आंवला भृंगराज विद बादाम रोगन एंड दीज टू हर्ब्स टुगेदर मेक अ यूनिक कॉम्बिनेशन एंड हेल्प टू प्रोवाइड अ न्यू लाइफ फॉर योर हेयर एंड ऑल्सो इट रिड्यूस हेयर फॉल डैंड्रफ इट प्रमोट हेल्दी हेयर ग्रोथ एंड इट क्लीन योर स्कैल्प एंड ऑल्सो इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर हेयर वॉल्यूम. You can also add this Amla Bhringraj hair oil in your hair care regime which will prevent premature gray. Also it will provide strength to your hair. I use this product twice a week to make sure that my hairs are healthier and stronger. So guys देर क्यों करनी. You can also go ahead and check it out this amazing product from Stamio which contains natural product all natural product without any chemical. You can purchase this product from Amazon, Flipkart and Purple. मैं इन तीनों का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. You can check it out. सबसे पहला पॉइंट क्या था कि हमारे वेडिंग में क्या क्या इंक्लूडेड था. वेडिंग में हाँ ये 4 फंक्शंस थे और हमारे गेस्ट थे 120 जो कि हमने मतलब अप्रॉक्सीमेटली 120 to 130 हाँ इतने थे जिसमें मेकअप आर्टिस्ट एंड ऑल दैट कुछ बाहर से आए थे जो मेरे थे वो मैं लेके गई थी साथ में. तो बेसिकली हमारे जो 4 दिन के फंक्शंस थे हमने क्या किया द बेस्ट पार्ट इज वी हायर अ प्लानर. हमें कुछ नहीं किया हमने एक प्लान ले लिया जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड था. इंक्लूडेड क्या क्या था मेन डेकोर फूड और आपका स्टे ये 3 चीज़ें मेन थी. इसके साथ साथ फूड डेकोर म्यूज़िक ट्रैवल फोटोग्राफी
मेहंदी आर्टिस्ट, पगड़ी के लिए जो पगड़ी बांधने वाला चाहिए होता है, ढोल, और जो एंकर, एंकर राइट, और हाँ जो ऑलमोस्ट सब कुछ इंक्लूडेड था यार सब हमने क्या करा अपने से, मतलब रस्मों का सामान वगैरह वो सब अलग था, बाकी तो सब कुछ इंक्लूडेड था। रस्मों का सामान हम लेके गए थे, वो बेसिक, और जो पंडित का सामान होता है, और पंडित भी आपके ही थे, मतलब आपने ही, मतलब इनके फैमिली के कुछ, हाँ तो इन्हीं ने ही ऑर्गेनाइज किए थे। बाकी पंडित के लिए जो सामग्री चाहिए होती है, और साथ में जो अपनी रस्में होती हैं, और जो आपने सबने गिफ्ट देने हैं, यू नो आपको देते हैं ना रस्मों के बाद कुछ सगन गिफ्ट वगैरह, ये सब आपके अपने होते हैं, अपने होते हैं, मतलब इट टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप क्या क्या इंक्लूड करवाना चाहते हैं, क्या क्या नहीं। वो सब कुछ ज्यादा इंक्लूड आपके बजट पे, वो आपको सब कुछ करके दे सकते हैं, सब कुछ। इवन आप चाहें तो आपको रस्मों के लिए जो भी चीज चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक डेकोर के लिए थाली चाहिए थी मेहंदी के लिए, तो वो भी उन्होंने ही दी थी। आई टोल्ड देम कि आप ही करके दो भाई, हमसे नहीं होता। हम कितना मतलब बेसिकली ट्रैवल करवाना इतने लोगों को, उनका ध्यान रखना, और यही सब बहुत था। और क्या इंक्लूड, मतलब और भी क्या चीजें हम लेते, बट स्टिल पता है इतने सारे बैग्स थे हमारे, क्योंकि हमारे कपड़े ही इतने थे यार। वो तो यार ऑब्वियसली इतना तो करेंगे ना यार, विंटर थी तो ठंड भी थी, तो कपड़े भी बहुत थे, सबके ही कपड़े बहुत ज्यादा थे। मेरे इवन मेरे तो कोई बैग नहीं था, तो काफी कुछ इंक्लूडेड था, मतलब ये सब कुछ इंक्लूडेड था जो कि मेंशन करा। और अब बात आती है कि हमने प्लानर्स को ढूंढा कहाँ से। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि हमने वेडमी गुड से 3 से 4 मतलब प्लान, काफ़ी लोगों से बात की, किसी ने रिवर्ट किया, किसी ने नहीं किया, और किसी से मिले हमें जमा नहीं, किसी को किससे हम मिले हमें अच्छी वाइब्स आई, लेकिन कुछ वो मतलब दिखा नहीं पा रहे थे, यू नो। तो जो हमने फाइनल किए वो है पार्कप्लेस इवेंट, उनका जो ईमेल इंस्टाग्राम हैंडल है वो भी मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आई एम सो सॉरी, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं अगर आप उन्हें कॉन्टैक्ट करना चाहें, बिकॉज दे हैव डन द फैंटास्टिक वर्क। Right. बढ़िया करा, बहुत ही अच्छा किया, और बेसिकली हमारे बजट में एंड एवरीथिंग वाज गुड। लेट मी टेल यू गाइस, वेडमी इज द बेस्ट एप्लीकेशन इफ यू आर गेटिंग मैरिड। मैं उसको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट मतलब मेरे लिए पर्सनली हाँ वो अच्छी ऐप है, और उससे हमें क्या कहते हैं काफी हेल्प मिली सब कुछ। अगर आपको लोकल भी करनी है वेडिंग, तो भी आपको काफी सारे बैंकेट के ऑप्शंस। सो प्रोसेस कैसे हुआ आगे ना, प्रोसीड कैसे करा हमने, हमने उनसे मीटिंग सेटअप करी, हम कैफे में मिले, उनसे बात करी, हमने अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि हमें कितना हमारा बजट है, हमें क्या क्या चाहिए, और कहाँ हमारी वो क्या क्या हमें कैसा चाहिए, तो उन्होंने हमें सब कुछ बताया। तो हमें एक होता है कनेक्शन बना, हमें दिखा कि हाँ भाई जो हम चाहते हैं वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम गए प्रॉपर्टी देखने के लिए। हाँ प्रॉपर्टी देखने के लिए गए हम। प्रॉपर्टी हमने पहले देखी थी या फिर हमने पहले वो करा? नहीं, पहले हम देखने गए थे। पहले हमने सब कुछ बता दिया हमें ये चाहिए, उनको हमारी रिक्वायरमेंट समझ आ गई कि दिस इज व्हाट दे वांट, उसके बाद हमने उन्हें अपना बजट बता दिया इतना बजट है। yes. और उसके बाद हम प्रॉपर्टी देखने गए। हाँ प्रॉपर्टी देखने गए, फिर हमने 5-6 प्रॉपर्टी देखी जिसमें हमने एक सिलेक्ट करी, और उसके बाद हमने सब प्लान करा कि हाँ ये सही है, सब कुछ सही है, फिर उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा। राइट, और उस कॉन्ट्रैक्ट में सब डिटेल्स थी जो जो चीजें वो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हमें कुछ चीजें और भी उन्होंने प्रोवाइड की जो कि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थी, जो कि सिर्फ यू नो बोला गया था कि जैसे केक। हाँ ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, जैसे छोटी मोटी चीजें कुछ आउट ऑफ द सिलेबस हमें कुछ चाहिए तो वो उन्होंने हमें प्रोवाइड करा। राइट डेकोर में भी केक हो गया, और एंकर एक दिन का मेंशन था लेकिन उन्होंने हमें 2 दिन प्रोवाइड कर दिया, मतलब हल्दी में भी प्रोवाइड कर दिया। राइट तो अच्छा था, बहुत अच्छा था। फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, अब पेमेंट की बात करते हैं। राइट पेमेंट जो थी, पेमेंट हमने 4 पार्ट में करी थी। राइट है ना, और ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा कि आपको कैसे पेमेंट करनी है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं अभी बताती हूँ, आपकी जो पेमेंट है वो आपकी वेडिंग से पहले ही ऑलमोस्ट सारी जल्दी जाती है, सारी चली जाएगी। राइट तो ये आपको थोड़ा उन पे ट्रस्ट करना होगा, और आप व्हेन यू आर हायरिंग प्लानर तो प्लीज मेक श्योर कि आप थोड़ा बैकग्राउंड वेरीफाइड कर ले, बैकग्राउंड चेक कर ले, उनका इंस्टा हैंडल सब चेक कर ले, इवन इफ यू वांट उनके ऑफिस में भी जाके चेक करें, है ना। हाँ तो हमने पूरी पेमेंट कर दी थी, 4 पार्ट में करी थी ऑब्वियसली, और वेडिंग से पहले तक हमने कर दी थी। वेडिंग के लास्ट डे मेरे ख्याल से, मतलब वेडिंग जब हो गई हमारी, 10-15% पेमेंट उनकी रहती थी, बाकी सब चली गई थी। हाँ है ना, सो दिस वाज दैट। उसके बाद जब हमने कर दिया अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, हमने एक पेमेंट कर दी ऑब्वियसली, उसके बाद हमें प्लान करना था, तो हम दोबारा गए अपने जगह पर जहाँ पे हमने बुक करा था, और हमने रिजॉर्ट पर, और हमने फूड टेस्टिंग के लिए गए थे हम। फूड टेस्टिंग के लिए, और मतलब बाकी चीज़ें भी, डेकोर वगैरह कैसे हम, मतलब
बेसिकली रिजॉर्ट में तीन फार्म्स थे या जैसे होता ना, मतलब डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी थे बेसिकली। हाँ, तीन फंक्शन कहाँ करना, कहाँ कैसा फंक्शन करना है, कैसा कैसा डेकोर होगा, ये सब हमने डिसाइड करा वहाँ पे। पूरा दिन लगा के हमने फूड टेस्ट करा वहाँ पर, हम विद फैमिली गए थे और उसके बाद फिर हम वापसी आके हमने अपनी तैयारी करी। सो बेसिकली जो प्लानिंग माइंड में थी वो उनको बताना, बता तो दिया बट एक होता ना कि ऐसे ही चल रहा है, प्रैक्टिकली उनको बताना कि यहाँ पर ये फंक्शन होगा, यहाँ ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। सो बेसिकली एवरीथिंग वाज डन इन लास्ट मीटिंग, और वो वेडिंग से मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले थी। और उसके बाद फिर हमने रूम अरेंज रूम में रूम और सॉरी क्या बोलते हैं रूम असाइनमेंट गेस्ट के लिए, और साथ साथ जो मुझे छोटी छोटी चीज़ें जैसे एंट्री के लिए मुझे प्रॉप्स चाहिए थे, एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट था जो मतलब जो बेसिकली स्टेशनरी वर्क था वो हमने स्टार्ट कर दिया। ई इनवाइट ये भी हमारा उसी में इंक्लूडेड था। तो बेसिकली ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई थी 15 दिन पहले ही। हाँ, उन्होंने हमें डिज़ाइन वगैरह भेजे एंड ऑल दैट सब कुछ। ये नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमारे पैसे कितने लगे। यही तो सबको जानना है। हाँ, तो हमारा अप्रोक्सीमेटली लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी ये सिर्फ वेडिंग का खर्चा है, आपका बहुत बड़ा चंक एक अमाउंट उन चीजों में खर्च होता है जिसका आपको शायद लगता है कि नहीं इतना नहीं होगा, और उन चीजों का हिसाब ही नहीं होता है कि हाँ वो चीजें भी होंगी। और वो चीजें जैसे कि जो कि मैडम को ऑब्वियसली जो चंक नहीं पता था, लेकिन हाँ ये तो पता था कि क्या होता है, शॉपिंग, ज्वेलरी और बहुत कुछ यार। मतलब घर में कितना आया गया लगा रहता है, कितना मतलब ऑब्वियसली सब कुछ होता है, ग्रोसरी, मतलब बहुत कुछ खर्चा है यार शॉपिंग, मतलब जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है जिसका हाँ, जो हिसाब है वो आप वो, हाँ वो हमने मतलब जो किसकी कैलकुलेशन हमने नहीं, एक्चुअली वो ऑब्वियसली हम मुझे तो पता था कि हाँ भाई उसके अलावा भी खर्चा होता है, और मैंने बोला कि ठीक है ये अमाउंट है ये हमें सही लग रहा है बट इसके अलावा भी बहुत खर्चा होता है, बट इंडियन कोई दिक्कत नहीं है, नहीं इतना कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, कुछ नहीं। क्योंकि और अंदाजा ही नहीं है मैडम को कि उसने कितना खर्च दिया, और मैंने भी लिखना छोड़ दिया। एक टाइम आया जब हमने हिसाब करना ही बंद कर दिया, लेट इट बी, आ रही आने दे। पहले मैं एक एक्सेल शीट बना के ये मैं लेके आई, ये लेके आई, ये कपड़े आए, ये कपड़े आए, लेकिन घर तो उसका अंदाजा ही नहीं है कितना खर्चा हुआ है। तो ऑब्वियसली आप अगर प्लान यस और तो वी वुड सजेस्ट यू अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप एक अच्छे से प्लान करो। ऑब्वियसली कुछ गलतियां हमने भी करी हैं, हम एक्सपर्ट नहीं हैं, हम तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आपके साथ, बाकी आपको देखना है कि हाँ आपका कितना बजट है और आपका कितना कहाँ कहाँ आप एक्सपेंस लगा सकते हो। ऑल तो हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं लगी, इट वॉज वेरी नाइस इवेंट। और जो भी वेडिंग में आए सभी तारीफ कर रहे हैं कि हाँ बहुत मजा सबको, आया। हाँ सबको अच्छा लगा, सबने खूब एंजॉय करा, हमने गेम्स वगैरह खेली, इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। और मतलब ऑब्वियसली हमारे तो काफ़ी गेस्ट ने तो देखी भी नहीं थी ऐसी वेडिंग, टू बी ऑनेस्ट हमने खुद ने नहीं देखी थी यार। वेरी नाइस एक्सपीरियंस और मेमोरेबल ऑल्सो। राइट, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके लिए वीडियो बनाई गई है कि वेडिंग में कितना मतलब बजट था हमारा। और मैं बता दूँ ये सिर्फ 2 days स्टे और जो मैंने चीज़ें बोली वही है, इससे पहले के फंक्शन, शॉपिंग और जो भी अपने गिफ्ट्स वगैरह होते हैं दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड, एंड दैट इज़ अ मेजर चंक जो कि आपका वेडिंग में खर्च होता है। दोबारा समरी कर देते हैं किस लिए, 2 दिन का स्टे, कम्प्लीट रिजॉर्ट, डेकोर, फोटोग्राफर, फूड, ट्रैवल और मेकअप, नहीं मेकअप, म्यूजिक, डीजे, right. मेहंदी वाले, ढोल वाले और ई इनवाइट, पगड़ी तो यार उसके तो फिर भी पैसे दिए ही थे हमने यार। वो सगन होता है। हाँ तो ठीक है, तो ये छोटा सा चीज है। हाँ तो मतलब मोटा मोटा यही सब, और इन सब के हमारा जो हमारा खर्चा आया था सिर्फ इन सब का वो था अप्रोक्सीमेटली 13 lakh रुपीस। और इसके ऊपर भी हमने थोड़े पे किए जो कि सगन के नाम पे लिए जाते हैं, और इसके अलावा आपको छोटी छोटी चीज़ों के एक्सपेंस बढ़ गए, जैसे मैंने मेहंदी रात को लगवानी थी तो उसके चार्ज एक्स्ट्रा लगे, यू नो, तो वो इसके अलावा बहुत एक्सपेंस होते हैं, तो सो प्लान अकॉर्डिंगली। सो आई गेस दिस इज इट, आपको यही जानना था और हमने बता दिया। तो जो पार्कडेस इवेंट जो हमारे प्लानर्स हैं उनका जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज़ गो, अगर आप भी प्लान कर रहे हैं यू जस्ट चेक इट आउट विद देम, और अगर आपको सही लगे तो ऑब्वियसली यू कैन हायर देम। होप यू लाइक आवर वीडियो, होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और अच्छा भी लगा हो। इफ़ यू लाइक इट
So please like, share and subscribe to our channel. And do comment also if you need any help. तो जो लोग शादी करने वाले हैं उनके साथ आप ये वीडियो शेयर करें। If you're planning for destination wedding, do share with your friends. और अपने पार्टनर के साथ जिसके साथ तुम प्लान कर रहे हो ऑब्वियसली वेडिंग। और अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो क्या हो गया, आपकी फ्रेंड की तो हो रही होगी, किसी दोस्त यार की, तो उसके साथ शेयर कर लो। हाँ बिल्कुल। और अगर कोई हेल्प चाहिए तो हम बैठे हैं यार, कमेंट करो, हम बताएंगे आपको। प्लीज डू कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।